महाराष्ट्र में संभाजी भिड़े को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं संभाजी भिड़े के बारे में क्या कह सकता हूँ, हुक्मरानों को इस पर बात करनी चाहिए, मैं हर बात पर हर बार कैसे प्रतिक्रिया करूँ। संभाजी भिड़े के सवाल का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनेताओं को बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ समय पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया था। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर फडणवीस भिड़े को गुरुजी कह रहे हैं तो उन्हें सब कुछ सही सही बोलना चाहिए। हम भविष्य की ओर देखे बिना इतिहास को दोहरा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इतिहास से उलझने और देश और प्रदेश को खत्म करने का यह तरीका खतरनाक है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उम्मीद है कि भिड़े गुरुजी अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे। महाराष्ट्र में संभाजी भिड़े को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं संभाजी भिड़े के बारे में क्या कह सकता हूँ, हुक्मरानों को इस पर बात करनी चाहिए, मैं हर बात पर हर बार कैसे प्रतिक्रिया करूँ। संभाजी भिड़े के सवाल का जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राजनेताओं को बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। कुछ समय पहले पत्रकारों से बातचीत के दौरान उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया था। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर फडणवीस भिड़े को गुरुजी कह रहे हैं तो उन्हें सब कुछ सही सही बोलना चाहिए। हम भविष्य की ओर देखे बिना इतिहास को दोहरा रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इतिहास से उलझने और देश और प्रदेश को खत्म करने का यह तरीका खतरनाक है। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि उम्मीद है कि भिड़े गुरुजी अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे।